इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज। पहले लेक्चर में हमने हेल्थ मींस क्या, डिसीज मींस क्या, काइंड ऑफ डिसीज, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में हमने पढ़ा है। आज सेकंड वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या डिसीज हो सकते हैं। इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, उनको जोनेटिक इन्फेक्शंस भी कहते हैं, जैसे कि डॉग बाइट की वजह से, मतलब कुत्ते के काटने से या रैबिट के काटने से या मंकी के काटने से हमें रेबीज ये बीमारी हो सकती है। वैसे ही रैट की वजह से हमें हो सकता है प्लेग, स्वाइन फ्लू हो सकता है पिक की वजह से। तो ये सब एनिमल्स की वजह से ये डिसीज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट एक ही है कि वैक्सीनेशंस लो, डॉक्टर की सलाह लो, अच्छी तरह से मेडिसिन लो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब अगर जिसको कैंसर है, डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है, उसके साथ हम बैठ गए तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में हम आज पढ़ेंगे कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ के बारे में। तो कैंसर, कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब हमारे बॉडी में अनकंट्रोल या अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है। व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द सेल डिवीजन, देन द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग, दिस मेक्स फॉर्मेशन ऑफ लंप, मतलब उसकी एक गांठ बन जाती है। और अभी ये जो गांठ है ये हमारी कहीं पे भी हो सकती है, एनी टिश्यू और एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन डेवलप कैंसर, कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल लंग्स, माउथ, टंग, ब्रेस्ट, यूट्रस, कहीं पे भी वो होता है। इवन स्किन कैंसर भी है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये भी कैंसर के टाइप है। अभी कैंसर क्यों होता है, तो कंजम्पशन ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस दैट, मतलब सच एज टोबैको, गुटखा, सिगरेट, मतलब ये जो है कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस है, मतलब नशीली चीज़ें, उससे कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। उसी तरह से ईटिंग जंक फूड सच लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, जिसमें फाइबर होता ही नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर हमने खा ली तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। पिज्ज़ा बर्गर मंथली वन टाइम ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा खाओगे तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। क्योंकि कैंसर नहीं हो इसके लिए हमें फ्रूट्स, लेफी वेजिटेबल, मतलब जिसमें फाइबर ज़्यादा है, वो चीज़ें खानी चाहिए। उसके सिम्टम्स क्या है कैंसर के, तो वेट लॉस विदाउट एनी रीज़न, मतलब कुछ भी रीज़न नहीं है हमारा वेट लॉस होता है, कफ बहुत दिनों तक चलता है, हमारे वॉइस में या हमारे मतलब खाने में हमें दिक्कत होती है, बहुत सारा पेन होता है ब्रेस्ट में या किधर भी हमें लम्स, मतलब गांठ आ सकती है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर गांठ ये कैंसर की ही हो, उसके अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं। अभी इसको डायग्नोसिस कैसे होगा, तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक है। तो जिस ऑर्गन में कैंसर होने का चांसेस है, तो वहाँ का डॉक्टर क्या कहते हैं कि टिश्यू चेक करते हैं लैबोरेटरीज में, मतलब टिश्यू डायग्नोसिस है, सीटी स्कैन से पता चलता है, एमआरआई से पता चलता है, बायोप्सी ट्रीटमेंट से पता चलता है। कैंसर के ट्रीटमेंट है, पहले कैंसर की कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, जैसे कि सर्जरी से वो गांठ निकाल ली जा सकती है। सर्जरी के टाइप है रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूसरा है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में से भी कैंसर के ऊपर मतलब उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी होती है। लेकिन अगर कैंसर होना ही नहीं चाहिए ऐसा हमें लगता है, तो हमें डाइट अच्छा लेना है, हमें फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना है, और जो कार्सिनोजेनिक जो भी चीज़ें हैं जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, ये इससे हमें दूर रहना है। डायबिटीज़, इन नॉर्मल पर्सन देयर इज़ सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम द पैनक्रियास, मतलब हमारे पैनक्रियास में इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल
या मेंटेन करता है उसका बैलेंस. द रोल ऑफ इंसुलिन इज टू कीप कंट्रोल ओवर द ब्लड ग्लूकोज लेवल. मतलब इंसुलिन का रोल क्या है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना. अगर ये इंसुलिन कम मतलब उसकी डिफिशेंसी हो जाए हमारे शरीर में तो शुगर ब्लड में वैसे का वैसे रहता है और डायबिटीज़ हो सकता है. या तो इंसुलिन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो हमारे बॉडी में हमारे पैनक्रियाज में तो भी हमें डायबिटीज़ हो सकता है. उसके सिम्टम्स है डायबिटीज़ है ये कैसे पता चलेगा. तो इनक्रेस थर्स मतलब बहुत प्यास लगती है. इनक्रेस फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बहुत बार बार बाथरूम जाना पड़ता है मोस्टली नाइट में. अनकंट्रोल वेट गेन होता है या वेट कम भी होता है ये सारे सिम्टम्स हैं. तो एक्चुअली डायबिटीज़ क्यों होता है तो उसके थोड़े रीजन्स है. वो है हेरिडिटी मतलब अगर हमारे ख़ानदान में किसी को है माँ पिताजी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तो चांसेस ज़्यादा है डायबिटीज़ होने के. ओबेसिटी अगर आप बहुत मोटापा मतलब मोटे हो तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस है. हम फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है तो भी डायबिटीज़ हो सकता है. अब इसको कैसे प्रिवेंट करें कैसे कंट्रोल करें तो हमें प्रॉपर डाइट लेना है मेडिसिन लेने डॉक्टर के एडवाइस से हमें ट्रीटमेंट लेना है और हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को कम कंजम्पशन करना है मतलब कम खाने ही ये चीज़ें. अभी डायबिटीज़ ये कैसे पता चलता है तो ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है. अभी हार्ट डिसीज़ जो है तो व्हेन द इफिशियंसी ऑफ द हार्ट इज रिड्यूस ड्यू टू सम कॉजेस द हार्ट डज नॉट परफॉर्म इट्स रेगुलर वर्क. मतलब किसी वजह से हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है अपना काम क्योंकि हार्ट का काम क्या है कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ब्लड. तो अगर इसमें दिक्कत आ गई तो हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसके सिम्टम्स क्या है तो चेस्ट पेन होता है शोल्डर नेक और लेफ्ट आर्म में ज़्यादा पेन होता है क्रैम्प्स आते हैं हैंड में एक्सेसिव परस्पायरेशन मतलब बहुत पसीना आता है अनइजीनेस महसूस होता है तो समझ लेना कि उस पर्सन को हार्ट अटैक आया है. अभी हार्ट अटैक के कॉजेस क्या है मतलब क्यों होता है हार्ट अटैक तो ये जो सारी हम चीज़ें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए मतलब जैसे कि सिगरेट टोबैको दारू तंबाकू ये सब जो चीज़ों का हमें नहीं इस्तेमाल करना है वही चीज़ों का हम लत लगा लेते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसको भी हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा है. हाइपरटेंशन मतलब जिसका बीपी लेवल बहुत ज़्यादा है ओबेसिटी मोटापा है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते कोई फिजिकल वर्क नहीं है जिनको उनको भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. और मोस्टली मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है काम का या कोई भी तो भी हार्ट अटैक आ सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात हेरिडिटी मतलब अगर हमारे ख़ानदान में किसी को है तो हार्ट प्रॉब्लम हमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो अभी हार्ट प्रॉब्लम कैसे पता चलता है तो ECG टेस्ट से वो पता चल जाता है. इसकी भी बहुत सारी ट्रीटमेंट है. अभी सर्जरी होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी होती है या कभी कभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है. एंजियोप्लास्टी है बहुत सारी ट्रीटमेंट अभी मॉडर्न टेक्निक में बहुत सारी ट्रीटमेंट है हार्ट प्रॉब्लम के लिए. अभी ये हो गया हमारे डिसीज़. कभी कभी हम मेडिसिन का बहुत ही मिसयूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मतलब किसी किसी को आदत होती है थोड़ा सर दर्द हुआ नहीं थोड़ा पेट दर्द हुआ नहीं थोड़े हाथ पैर में तकलीफ हुई ले लेते हैं पेन किलर. लेकिन पेन किलर व्हेन टेक इन ओवरडोज मतलब हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम डाउन हो सकती है हमारे लीवर काम नहीं कर सकता. मतलब ओवर यूज़ कब कोई कोई लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेते हैं मतलब थोड़ा कुछ हुआ नहीं तो एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन होता है रैशेस होते हैं बॉडी पे बहुत सारी तकलीफें होती है. तो कभी भी मेडिसिन ये डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए ना कि खुद के मन से. अभी जो मेडिसिन है वो बहुत महंगे होते हैं लेकिन एक है जेनरिक मेडिसिन वो बहुत सस्ते होते हैं. अभी
आजकल ये जेनरिक मेडिकल के भी शॉप्स बहुत सारे शहरों में हमें दिखाई देते हैं। जेनरिक मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेटेंट, और ये बहुत कंपेरेटिवली जो ये महंगी महंगी दवाई है उसके कंपेरेटिवली बहुत चीप होते हैं, मतलब बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन क्वालिटी में सेम होते हैं ब्रांडेड मेडिसिन के ही। इसीलिए जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो अंडर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस टू द कॉमन पीपल। तो प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई है जन औषधि योजना, और उसके बहुत सारे स्टोर्स हर सिटी में अभी खुले हुए हैं। अभी हमने ये इस लेसन में देखा हेल्थ एंड डिसीज। अगर हमें डिसीज होने ही नहीं है तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेना है, क्लीनलीनेस हाइजीन अच्छी तरीके से रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा करना है, योगा करना है, और जो भी वैक्सीनेशंस हैं जिस बीमारी के ऊपर वो वैक्सीनेशन हमें टाइम पे लेने हैं, तो हम बहुत सारे डिसीज से दूर रह सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे डे मनाए जाते हैं, 7 अप्रैल ये वर्ल्ड हेल्थ डे है, 14 जून ये वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, 29 सितंबर ये वर्ल्ड हार्ट डे है, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटिक डे ये मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया है आपका।